अच्छा, रोमन रेंस के बारे में कोई भी बेइज्जती नहीं सुनूंगा मैं, क्योंकि मैं खुद करूंगा। तो यस, मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन। अगर आप कमजोर दिल वाले रोमन रेंस के फैन हैं तो हो सकता है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जानलेवा हो सकती है, बट फिर भी होगा यार, क्योंकि WWE की जो बेस्ट चीज लगती है वो है हमारे ओपिनियंस, वो है रिव्यूज, वो है हमारा क्रिटिसाइज करना। हम लोग जिस तरीके से एज फैंस बात करते, आई थिंक दैट इज व्हाट मेक्स WWE वेरी स्पेशल। और आज एक उड़ते उड़ते ऐसा ओपिनियन आया मेरे सामने जो कि बहुत अच्छा है, मैं कहूँगा कि वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल वे में कह रहा हूँ मैं, बिकॉज उस बंदे ने, आई थिंक वो फॉर्मर WWE सुपरस्टार है, कौन है वो मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो जो ओपिनियन है उसकी वैल्यू ही इतनी है कि मेरे को उससे फ़र्क नहीं पड़ा कि वो कौन बोल रहा है। अगर वो कोई रैंडमली कहीं मेरे को कमेंट में भी दिख जाता किसी और के वीडियो में, मैं तो मेरे को तब भी लगता कि उस पर वीडियो बनानी वर्थ इट है, उस पर बात करना ज़रूरी है। और उसमें उन्होंने ये कहा गया था कि रोमन रेंस एक इस पोजिशन पर पहुँच चुका है कि उसके साथ जो भी बंदा लड़ रहा है उस बंदे का सत्यानाश ही होगा। अब ये मैंने बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड यूज़ कर दिया हिंदी में है तो, बट बेसिकली उस बंदे का कोई भी फायदा नहीं होगा, वो एलिवेट नहीं होगा जैसे कि हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज WWE इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक अदर सुपरस्टार लुक गुड। लाइक WWE का मतलब क्या है? WWE का मतलब जो वैसे फैंस होंगे उनको तो ये लगता होगा WWE का मतलब है एक दूसरे को पीटना है, बट अल्टीमेटली अगर आप इस एज आर्ट फॉर्म देखोगे तो इसका ये मतलब है कि WWE में आपको इस तरीके से स्क्रिप्टेड फाइट लड़नी है कि सामने वाला इंजर्ड ना हो और सामने वाला अच्छा दिखे इन टर्म्स ऑफ हिज कैरेक्टर। अगर अच्छा दिखना है उसे तो अच्छा दिखे, बुरा दिखना है तो वो बुरा दिखे, वो आपके ऊपर सब प्रेशर रहने वाला है। लेकिन रोमन रेंस के केस में ऐसा है कि वो सामने हेल्प तो किसी की नहीं कर सकते, किसी का फायदा होगा अल्टीमेटली तो वो सिर्फ रोमन रेंस का होने वाला है और जो सामने वाला आएगा उसका बेड़ा गर्क ही होने वाला है, ऐसा ओपिनियन था वो। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, आई थिंक ये तो पहले हमें हिस्ट्री से भी पता चलेगा, बिकॉज अभी हम ऑब्वियसली रोमन रेंस के पैंडमिक एरा के बाद वाले रेन की बात कर रहे हैं, वो वाला नहीं जो उसके पहले हुआ था, जो 2019 या उसके पहले हुआ होगा उस वाले रेन की बात नहीं कर रहे, वो वाला जब जेउसो के साथ राइवलरी, ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ मैच, उसके बाद जो भी हुआ था। एंड आई हैव टू से कि यार अपोनेंट्स की जो क्वालिटी थी दैट वॉज एक्चुअली गुड। और मैं अभी भी इस चीज के बारे में बात करता हूँ कि रोमन रेंस का टाइटल रेन और सीएम पंक के टाइटल रेन को लोग यूजुअली कंपेयर करते हैं, इवन जॉन सिना के टाइटल रेन से भी, मैं फिर भी कहता हूँ कि इन तीनों का टाइटल रेन कोई किसी को कितना भी बढ़िया लगे हो, बट मेरे को लगता है द क्वालिटी ऑफ ओपोनेंट एंड द क्वालिटी ऑफ मैचेस जो कि रोमन रेंस के रेन से निकले, ये बाय फार बहुत सुपीरियर थे जो कि सीएम पंक और जॉन सिना से आए। श्योर, सीएम पंक और जॉन सिना के अपने फेयर शेयर ऑफ मोमेंट्स थे, फेयर शेयर ऑफ गुड मैचेस थे, बट मेरे को लगता है कि रोमन रेंस वाले ने एक अलग ही लेवल प्राप्त किया है ना। लाइक गाइज लाइक ब्रॉन स्ट्रोमन, गाइज लाइक जे उसो, डैनियल ब्रायन, रेटेड और सुपरस्टार एज, टू गाइज लाइक सिजारो भी, यप सिजारो के साथ भी मैच लड़ा था उन्होंने इस राइवलरी के दौरान, सेथ रॉलिंस के साथ भी राइवलरी कर ली है। अभी रिसेंट में हम देखें तो ब्लड लाइन के साथ ज़्यादा इफेक्ट था जिसके चलते सैमी जेन हो गया अपना, या फिर जे उसो दोबारा से है ना, अभी हो सकता है कि मे बी फ्यूचर में सोलो सेकोवा भी, और उसके पहले फिन बैलर भी आए है ना। तो अब पता लगा सकते हो कि हाँ, इन एग्जांपल्स में कुछ तो ऐसे डॉट्स है जो कि आप कनेक्ट करके ये कह सकते हो दैट यस, रोमन रेंस के साथ काम करने से हेल्प नहीं होती। अगर आप बंदे हो लाइक जॉन सीना, ब्रॉक लेसनर, आपको कोई हर्ट नहीं कर सकता, मैं सही में बता रहा हूँ। आज अगर आके अकीरा टोजावा उठ के जॉन सीना को हरा देगा, जॉन सीना इंच भी नहीं हिलेगा, जॉन सीना को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है कि अकीरा टोजावा को अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स डिसेबल करने पड़ जाए, उसको इतनी गालियां पड़े, लेकिन जॉन सीना को फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सुपरस्टार्स गाइज लाइक देम, उनको नहीं फर्क पड़ेगा तो इसलिए हम उनकी बात भी नहीं कर सकते। इवन एज की मैं बात करूंगा, एज इज अ बिग सुपरस्टार, एज वॉज अ बिग सुपरस्टार, एटलीस्ट ऑल एलीट रेसलिंग का मैं कह नहीं सकता किस तरीके से यूज हो रहा होगा बंदा, और वहां पर तो एज है भी नहीं, वो तो एडम कोपलैंड है। मैं इतना कहना चाहूंगा कि मनी इन द बैंक में जो मैच हुआ था एज का अगेंस्ट रोमन रेंस, हाउएवर गुड मैच दैट वॉज, मेरे को लगता है कि उससे एज को हेल्प नहीं हुई। ऊपर से जब से मेरे को ये पता चला था दैट कॉन्ट्रैक्ट में यही था कि एज को चैंपियनशिप नहीं चाहिए, तो वो देख के बुरा लगा था। बट एज का वो हो गया, या फिर रेसलमेनिया का जो मैच था, इनमें हारने के बाद ऐसा लगा नहीं दैट वी वांट टू सी एज का रिडेम्पशन, हमें बस ये था कि एज के पास टाइटल आ जाए कैसे भी करके, हमें वो फील नहीं आ रहा था दैट एज शुड बीट
रोमन रेंस। इवन काफी लोगों को तो पहले भी डाउट था जब वो रॉयल रंबल जीत गए थे कि क्या ये बंदा हराना चाहिए सही में, बिकॉज रोमन रेंस सही में उस पोजीशन पर पहुंच चुका था कि किसी के लिए भी मुश्किल हो रहा था। अब वो सिचुएशंस ही ऐसे निकालते कि मे बी द रॉक से लड़ लो, है ना, ऐसे टाइप की स्टोरी लाइन्स के भैया रिश्ते नाते आ रहे हैं या फिर सोलो सिको आ रहा है जो कि फ्यूचर हो सकता है, ऐसे बंदे हराते हैं ऐसा हम सोच के खुश हो जाते हैं, लेकिन जब ऐसे वाले सुपरस्टार आ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हो रहा है और वो हरा भी नहीं पा रहे जेन्युइनली। रेसलमेनिया में फेल हुए एज, मनी द बैंक में फेल हुए एज, रोमन रेंस वर्सेस रे मिस्टीरियो हुआ। अब रे मिस्टीरियो को तो ऑब्वियसली कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रे मिस्टीरियो वाज अ बेबी फेस, उल्टा उसमें वो बेचारा ही दिख के आए, है ना। और आई थिंक ये वाला मैच था ना जो स्मैकडाउन में हुआ था, यार क्या दिन था वो, रोमन रेंस वाज फाइटिंग ऑन स्मैकडाउन, वो भी हेल इन अ सेल के अंदर। अरे यार दैट वाज गुड शिट ब्रो, दैट वाज गुड शिट। रोमन रेंस वर्सेस फिन बैलर, एक और ऐसा सिनेरियो याद आता है जिसमें फिन बैलर कुछ भी नहीं बना। अच्छा फिन बैलर जितना भी बना है वो जजमेंट डे के साथ रह के ज्यादा बन गया, इतना वो उल्टा उसने अपना डीमन कैरेक्टर को तहस नहस करवा दिया रोमन रेंस के साथ आके यार। और ये क्या मैं रोमन रेंस को गलत कह सकता हूँ? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज रोमन रेंस वर्सेस डीमन फिन बैलर के साथ एक पता अच्छा प्रोग्राम बना सकते, लेकिन नहीं, हमें तो बस एक पेपर व्यू करवाना है, उसमें हम एक ऐसी स्टोरी दे देंगे जिसमें घंटा भी किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। अब तुम ऐसा करोगे तो ऑब्वियसली रोमन रेंस ही बुरा लगेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि इस वाले केस में रोमन रेंस की कुछ भी गलती थी। द स्टोरी लाइन वॉज सो एस और लाइक एंडिंग अबे क्या थी यार, इतना अच्छा लोग हाइप हो चुके थे। एटलीस्ट मैं इस चीज पे क्रेडिट देना चाहूंगा रोमन रेंस के साथ में कि एटलीस्ट रोमन रेंस के साथ जो आता है थोड़ा बहुत हाइप तो करवा देते हैं ये लोग, मेरे को लगता है। लाइक लोगन पॉल के टाइम पे वो वन लकी पंच वाला चीज आ गई थी, फिन बैलर के सामने ये आ गया था कि भाई ये डीमन है कुछ भी कर सकता है, सैमी जेन के सामने ये आ गया था कि भाई होम टाउन जिस तरीके से इतना अच्छा बिल्ड मिल रहा है कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी कभी भी ऐसा लगा हो कि नहीं यार रोमन रेंस ही जीतेगा, ये तो कुछ नहीं है, वो जब जीत जाता है ना तब आपको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत ऑब्वियस था। लेकिन रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर भी याद करो, रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकइंटायर वो वाला मैच था जब 50-50 क्राउड बट गई थी, आधी इधर आधी इधर, तो ऐसे में कहना तो बड़ा वियर्ड होगा कि हमेशा ही रोमन वर्सेस किसी भी ओपोनेंट के केस में रोमन रेंस के जीतने के चांसेस रहता है, वो गलत रहेगा मेरे हिसाब से। और यार देखो गोल्डबर्ग का मैच था रोमन रेंस के अगेंस्ट, तो गोल्डबर्ग तो गया था आई थिंक कुछ अच्छे मोमेंट्स नहीं यार ऐसा नहीं। अच्छा रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग वॉज द मैच जिसके बाद से हमें गोल्डबर्ग पे दोबारा कभी भी ऐसा बुरा नहीं लगा, ठीक है, तो कभी कभी अच्छा भी हुआ है ना। उसके पहले क्या हो रहा था, गोल्डबर्ग जब भी आ रहा था लोग हेट कर रहे थे, लेकिन जैसे यहाँ पे हारा लोग गोल्डबर्ग के लिए कह रहे अरे बेचारा आ गया, आने दो बेचारे को यार, थोड़ा उसको भी लड़ने दो। तो यार ये रन बड़ा वियर्ड है और इस पॉइंट पे एटलीस्ट वो आ चुके हैं। अब देखो यार ऐसे कहने को तो फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का भी एग्जांपल ले सकते हैं, बंदा तो ग्रैंड स्टेज पे हारा यार, लेकिन फिर भी उसके साथ तो कुछ नहीं हुआ, मतलब चाहता तो फिर वो भी आ सकता था ना मिड इवेंट सीन में, वो तो फिर ब्रॉक लेसनर के साथ भी घुसा, तो सीन तो उसका भी अच्छा चल रहा है। इनफैक्ट लोग अभी भी रूट कर रहे हैं कि कोडी रोड्स जीतेगा, राइट, और जे उसो मेन इवेंट जे उसो बन गया है, और एले नाइट वाला सीन भी हम देख रहे हैं। तो एले नाइट का तो खैर भाई, एले नाइट का तो बड़ा स्लिपरी स्लोप सिचुएशन था क्योंकि इतना नया वो टैलेंट है मेन इवेंट सीन में, तो उसके साथ तो हो सकता था बुरा। थैंकफुली उसका कैरेक्टर इतना अच्छा है कि वो बच गया है। तो आई डोंट नो, शुड आई अग्री और डिसएग्री, आई थिंक इस पॉइंट पर, मैं अभी तक तो नहीं कह रहा लेकिन इस पॉइंट पर ऐसा है कि हाँ अब अगर कोई भी ऐसा बंदा आएगा तो उसके चांसेस है कि वो तहस नहस हो जाएगा। अभी तक तो मेरे को लगता है नहीं हुआ। अब आप सिजारो जैसे एग्जांपल लाओगे, बैड एग्जांपल है, सिजारो कभी भी सुपरस्टार लेवल नहीं था, वो एक रेसलर लेवल था एट बेस्ट, ही वॉज गुड एट रेसलिंग, बट अनफॉर्चुनेटली इन WWE सुपरस्टार्स नीड्स टू बी मेड। रेसलर तो हर कोई बनने आ जाता है यार, रेसलर तो हाथ पैर चलाना तो कोई भी सीख लेगा यार, इट्स ऑलवेज हेयर मैन, और वो धीरे धीरे आता है। आपको क्या लगता है, रोमन रेंस बहुत अच्छा रेसलर है, रोमन रेंस ने तो बाद में ये स्किल सीखी है धीरे धीरे। तो खैर एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली अगर मेरे को अपना एक वर्डिक्ट सुनाना होगा देन आई वुड से कि हाँ चलो मैं अग्री नहीं करूँगा उस बंदे से, मेरे को लगता है कि नहीं रोमन रेंस ने एटलीस्ट अभी तक किसी को बरी नहीं किया है जितना प्रीवियस टाइटल रेंस में हमने लोगों को करते हुए देखा है, बट हाँ अब करने लग जाएगा इंटेंशनली और अनइंटेंशनली, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, और अनइंटेंशनली ही है ज़्यादा। रोमन रेंस कोई ऐसा तो नहीं है कि वो जानबूझ के कर रहा है, उसका कैरेक्टर ही ऐसा बन गया है, ठीक है, हरवा दो ना ऐसी किसी लल्लू पंजू से, फिर देखना क्या हुआ, फिर तो जितने लोग रोमन रेंस को हेट कर रहे हैं वो और हेट करने लगेंगे कि भाई ये क्या कर दिया।
तो ये बहुत वियर सिचुएशन में इस समय रोमन रेंस, और जितना वो बढ़ाते जा रहे हैं उतना उनके लिए वो अपोनेंट ढूंढने का बड़ा मुश्किल हो रहा है जो उसको हराएगा। डेफिनेटली आई वुड लव टू नो योर ओपिनियंस, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।